So let's start with the respiration. Respiration is the process of oxidation of food to get energy. फूड को ऑक्सीडाइज करके उससे एनर्जी लेने की जो प्रोसेस है उसी को हम क्या बोलेंगे, रेस्पिरेशन बोलेंगे. आपने न्यूट्रिशन लेके उसको डाइजेस्ट किया, डाइजेस्टिव फूड को सर्कुलेट करवाया, वो किस लिए, वो रेस्पिरेशन परफॉर्म करने के लिए. सो ईच एंड एवरी सेल ऑफ योर बॉडी इज परफॉर्मिंग रेस्पिरेशन. आपकी बॉडी की जितनी भी सेल्स हैं वो रेस्पिरेशन परफॉर्म कर रही हैं और उसी से हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, जिस एनर्जी को हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज करते हैं, ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, डे टू डे जो हमारे वर्क है उनको परफॉर्म करने के लिए और खुद को जिंदा रखने के लिए, सस्टेन करने के लिए हमारी लाइफ को, वो जो सारी की सारी एनर्जी है दैट विल बी कम फ्रॉम द रेस्पिरेशन. नाउ ऑक्सीडेशन, हियर वी सेड दैट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, सो ऑल ऑफ यू नो दैट फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ anything we need oxygen, that oxygen will be inhaled by the lungs. या जो भी respiratory organ होगा किसी भी organism का, वो क्या करेगा, अपनी body के अंदर oxygen लेके जाएंगे, oxygen को पूरी body में transfer कर देंगे. तो कोई भी cell है body की उसके अंदर क्या होगा, that will be having food एज वेल एज ऑक्सीजन. तो ये दोनों चीजें जब मिलेंगी तब आपका ब्रेक डाउन ऑफ फूड होगा और उसी से हमें क्या होगा, एनर्जी मिलेगी. तो क्या रहता है, कुछ स्टूडेंट आपके ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में कंफ्यूज रहते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस डिफरेंस को क्लियर करेंगे. सो ब्रीदिंग इज ओनली एक्सचेंज ऑफ गैसेज, एक्सचेंज ऑफ गैस होता है. ऑक्सीजन को आपने इनहेल किया, कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर एक्सहेल किया, दैट इज ब्रीदिंग. ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस है, कोई चेंज नहीं हो रहा है. ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर जा रही है, वो क्या होता है, दैट इज कन्फाइंड अप टू लंग्स ओनली, लंग्स ही उसको करते हैं और वहीं तक वो सीमित रहती है. बट रेस्पिरेशन इज अ केमिकल प्रोसेस, क्यों, क्योंकि फूड को तोड़ के हम सिंपल सब्सटेंसेस, किसमें, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी, इसके अंदर ब्रेक डाउन कर रहे हैं तो चेंज, केमिकल चेंज हो रहा है, नए सब्सटेंस बन रहे हैं, तो ये क्या हो गया, एक केमिकल प्रोसेस है. और क्या है, ये आपकी ईच एंड एवरी सेल परफॉर्म कर रही है, तो ये आपकी पूरी बॉडी में होती है. ब्रीदिंग कहां हो रही थी, सिर्फ आपके लंग्स के अंदर परफॉर्म हो रही थी. तो ये रेस्पिरेशन के अंदर मेन डिफरेंस है. ब्रीदिंग इज ओनली ए पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, इसका पार्ट है. तो ब्रीदिंग को आप रेस्पिरेशन ना समझे, रेस्पिरेशन को ब्रीदिंग ना समझे, इसके बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है. ब्रीदिंग इज ओनली ए पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन. तो रेस्पिरेशन के थ्रू क्या क्या करते हैं हम उसके अंदर, वो हम देख लेते हैं. तो रेस्पिरेशन जो है वो आपका कई तरह का हो सकता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ग्लूकोज क्या है, जो हमारा फूड है उसी को हम ग्लूकोज बोलेंगे. फॉर्मूला आपको पता है, C6H12O6. सो ग्लूकोज इज आर फूड, दैट इज 6 कार्बन मॉलिक्यूल. 6 कार्बन का जो मॉलिक्यूल होता है वो ग्लूकोज, उसी को हम ऑक्सीडाइज करेंगे टू गेट द एनर्जी. तो ग्लूकोज जो है पहला हमारा क्या रहेगा, सबस्ट्रेट रहेगा. और किसी भी टाइप का रेस्पिरेशन हो उसमें फर्स्ट स्टेप जो है वो सेम रहेगा, एंड दैट विल बी कैरिड आउट इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल. सो फर्स्ट, इन द फर्स्ट स्टेप द ग्लूकोज मॉलिक्यूल विल बी कन्वर्टेड इनटू द 3 कार्बन मॉलिक्यूल विच इज नोन एज पाइरुवेट. वहां पे भी कुछ अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी. तो फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा रेस्पिरेशन का, जो 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है उसको 3 वाले में कन्वर्ट कर देना है. अब डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन और ऑर्गेनिज्म, रेस्पिरेशन विल बी ऑफ 3 टाइप, 3 तरह का आपका रेस्पिरेशन होगा. तो पहला जो है, हम कंडीशन देख लेते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है ह्यूज अमाउंट में, जैसे हम लोगों के अंदर है, जब आप कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं एनर्जी वाली, तो उस दौरान क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या है, जहां पे फुल अमाउंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, सफिशियंट अमाउंट में है, तो ये प्रोसेस होगा आपका, ये साइटोप्लाज्म में हो रहा था, साइटोप्लाज्मा में. अब ये कहां होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल. तो वहां क्यों बोला जाता है, क्योंकि वहां रेस्पिरेशन परफॉर्म हो रहा है इसीलिए. तो यहां क्या होगा, दैट पाइरुवेट विल ब्रेक डाउन इनटू द
कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी। इस वाले रेस्पिरेशन में सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन, पूरी तरीके से वो टूट रहा है सिंपल सब्सटेंसेस में, तो इसीलिए यहां पे एनर्जी का अमाउंट सबसे ज्यादा रहेगा। सबसे सिंपल टाइप का ही रेस्पिरेशन है कार्बन डाइऑक्साइड। इसी कार्बन डाइऑक्साइड को हम बॉडी से बाहर एक्सहेल करते हैं। जितनी भी सेल्स हैं आपकी बॉडी की, वहां से ब्लड इस कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट करेगा और लंग्स में ले जाएगा, लंग्स उसको क्या है बॉडी से बाहर निकाल देंगे। वाटर एक बाय प्रोडक्ट है, हमारे लिए यूजफुल है, तो हमारी बॉडी की जो सेल्स हैं या हमारी बॉडी है वो वाटर को यूज कर लेगी और एनर्जी को हम अपने रूटीन वर्क्स के लिए यूज करेंगे। सेकेंड टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है ही नहीं, तो जो अनएरोबिक ऑर्गेनिज्म है दैट विल परफॉर्म दिस रेस्पिरेशन, दिस इज नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड दिस इज नोन एज अनएरोबिक। अनएरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या है कि जहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। तो हम एग्जांपल ले रहे हैं ईस्ट का। ईस्ट क्या करेगा, इस पाइरूवेट को आप पार्शियल ब्रेक डाउन कर पाएगा, तो इसको वो टू कार्बन मॉलिक्यूल में तोड़ेगा जहां पे क्या प्रोड्यूस होगा, इथेनॉल, जिसको हम अल्कोहल बोलते हैं। तो अल्कोहल यहां पे जो अल्कोहल प्रोड्यूस होती है कमर्शियली या किसी छोटे लेवल पे, वो इसी तरीके से ईस्ट को यूज किया जाता है और वहां पे हमें क्या है ये श्योर एंश्योर करना पड़ता है कि ऑक्सीजन वहां पे प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। तो यहां पे क्या है एथेनॉल का प्रोडक्शन होगा, इसीलिए बेवरेजेस हैं या जो आपके अल्कोहलिक सब्सटेंसेस हैं मटेरियल है वो प्रोड्यूस किया जाता है ईस्ट की हेल्प से। यहां पे साथ में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी और कुछ अमाउंट में एनर्जी भी रिलीज होगी, बट ये जो एनर्जी है ये बहुत ही कम अमाउंट में होती है, सबसे ज्यादा एनर्जी एरोबिक रेस्पिरेशन में ही रिलीज होगी। थर्ड जो कंडीशन है दैट इज लैक ऑफ एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरा का पूरा, बट यहां से भी जो लैक ऑफ ऑक्सीजन है यहां से भी कई बार छोटा क्वेश्चन आ जाता है, अदरवाइज 3 मार्क्स में ये तीनों आपके आ जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो यहां पे क्या है लैक ऑफ ऑक्सीजन, कब कमी होती है ऑक्सीजन की, तो जब लोग आप लोग एक्सरसाइज करते हो तो क्या होता है हम लोगों की हार्ट बीट जो ब्रीदिंग रेट है वो सब कुछ इंक्रीज हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि उस टाइम पे आप जरूरत से ज्यादा काम कर रहे हैं और जरूरत से ज्यादा काम कर रहे हैं तो आपको रिसोर्सेज एनर्जी की जरूरत भी ज्यादा होगी। तो एनर्जी की जरूरत ज्यादा है तो फूड को जल्दी जल्दी ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, और फूड को जल्दी ब्रेक डाउन करना है तो क्या चाहिए आपको, ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन चाहिए ये तो क्या करना पड़ेगा, आपकी ब्रीदिंग रेट बढ़ानी पड़ेगी, इसलिए ब्रीदिंग रेट भी बढ़ जाती है और उस ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करवाने के लिए जो हमारी हार्ट बीट है, हार्ट रेट है, वो भी बढ़ जाती है ताकि उसको इजीली पूरी बॉडी में सर्कुलेट करवाया जा सके। तो इस तरीके से क्या होता है ये मतलब हमारा मैकेनिज्म है बॉडी का, उस जो हम एनर्जी ज्यादा चाहिए उसको कंपनसेट करने के लिए, तो ऑक्सीजन इस तरीके से आप बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर दोगे, लेकिन फिर भी वो ऑक्सीजन जो है वो कम पड़ जाती है और पार्शियल डाइजेशन होता है अगेन, तो यहां पे 3 कार्बन मॉलिक्यूल बनता है जिसको हम लैक्टिक एसिड बोलते हैं, वो कन्वर्ट हो जाएगा पाइरूवेट से लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और कुछ अमाउंट में हमारी एनर्जी रिलीज होगी। अब क्वेश्चन इस लैक्टिक एसिड पे ही आता है, जो हमारी मसल्स हैं उनके अंदर क्या होगा, दिस लैक्टिक एसिड विल एक्यूमुलेट इन आर मसल्स, हमारी मसल्स में क्या करेगा एक्यूमुलेट हो जाएगा, तो वहां पे क्रप्स जो पेन होता है वो कोज करेगा, उस पेन की मतलब लैक्टिक एसिड ही उस पेन का रीजन होता है। जब आप रेस्ट करते हो या हॉट बाथ लेते हो या मसाज करते हो तो क्या है वो लैक्टिक एसिड अपने आप मतलब मसल्स के अंदर क्या होगा कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा सॉरी, और उस टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्लस एनर्जी, तो ये लैक्टिक एसिड भी लास्टली क्या होगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूट के आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा, इसीलिए एक्सरसाइज के बाद रेस्ट लेने की जो एडवाइस दी जाती है। तो ये आपके डिफरेंट टाइप के रेस्पिरेशन थे। थैंक यू।
अब देख लेते हैं एनर्जी हमें कैसे मिलती है। द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन, इस दौरान जो एनर्जी रिलीज हुई है इज इमीडिएटली यूज्ड टू सिंथेसाइज अ मॉलिक्यूल कॉल्ड एटीपी। तो यहां पे क्या बना लिया जाता है, एडीनोसाइन ट्राइफॉस्फेट विच इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। इसी को हम एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोलते हैं। तो एनर्जी की हेल्प से आप एटीपी के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस कर लोगे। तो इसमें तीन फॉस्फेट मॉलिक्यूल एडीनोसाइन के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो यहां पे क्या होगा, जैसे ये दिखा रहा है इसके सिंथेसिस की प्रोसेस, एएमपी होता है, एडीपी होता है, मोनोफॉस्फेट डाइफॉस्फेट। तो यहां पे एडीपी से एग्जांपल दिया हुआ है कि एडीपी प्लस फॉस्फेट, और जब एनर्जी मिली तो क्या है, ये आपका एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां एडीपी था, एडीपी के साथ फॉस्फेट, और जब उसको एनर्जी मिली तो वो एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको एनर्जी करेंसी क्यों बोला जाता है, जब भी आपको एनर्जी की जरूरत होगी इस एटीपी को दोबारा से तोड़ दिया जाएगा, एटीपी से आपका एडीपी। तो यहां पे क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। इस एडीपी को एएमपी में तोड़ेंगे, एडीनोसाइन मोनोफॉस्फेट, और इस मोनोफॉस्फेट को एडीनोसाइन, मतलब तीनों के तीन फॉस्फेट जो हैं वो धीरे धीरे रिलीज होंगे। जितना आप इसके क्लोज जाओगे एडीनोसाइन के, उतने ही ज्यादा अमाउंट में आपकी एनर्जी रिलीज होगी। तो इस तरीके से क्या है, हम एनर्जी गेट करते हैं एटीपी मॉलिक्यूल से। थैंक यू।